अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देखिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। जैद को बुलाया था मैंने, जैद को दिखाने जा रही हूँ आँखों का। प्लीज़ आप लोग दुआएं करिए कि हमारे जैद की आँखों की रोशनी आ जाए। मैं अभी जैद को दिखाती हूँ। आप बोलो जैद, क्या करो? ये देखिए, ये जैद है हमारा। ये बोल नहीं पाता है इसलिए बात नहीं कर रहा आप लोगों से। प्लीज दुआ करिएगा इसकी आंखों की रोशनी आ जाए और इसकी सारे चेकअप वगैरह सही हो जाए। बाकी आपको बाद में मैं बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। ये देखिए मेरा जैद आया है आज शाहजहानपुर से। मैंने इसको बुलाया था, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था इसका। प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि मुझे कामयाबी मिले। डॉक्टर कब बुलाए, क्योंकि ऊपर मैं गई थी वहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ थी, इसके चेकअप होने थे, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं वहाँ गई थी, मेरा भी लेज़र होना था, दो बार हो चुका था मेरी आँखों का लेज़र। सुबह से मैं वहाँ गई हुई थी, उसके बाद में मेरा भी लेजर शाम को हुआ 5:30 बजे करीब। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, टाइम बहुत लग गया। भूखे प्यासे हम सारे वहीं बैठे रहे। मुझे जैद की बहुत टेंशन हो रही थी कि डॉक्टर देखें क्या बताएंगे क्या नहीं, इसलिए बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे। क्योंकि वहाँ खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने, इसी तरह से पूरा टाइम हो गया बैठे बैठे वहाँ पे। हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था, इसलिए मैं वहाँ लेके गई थी। अब देखिए डॉक्टर को क्या कहते हैं इसको बुलाकर। अभी इसके चेकअप तो हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड बाकी है इसका। हम इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर बुलाएं, कब जाएं, कब क्या बताएं। बहुत टेंशन हो रही थी। ये जैद के पापा हैं, मैं इसकी फुप्पू हूँ। देखिए बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ इसके लिए दुआ करें कि ऊपर वाला रिपोर्ट अच्छी दे। बहुत परेशानी झेली है इस बच्चे ने। ये अब और चेकअप हो रहे हैं इनके यहाँ पे। सारे टेंशन में ही पड़े हुए हैं। काफ़ी इलाज कराया इसका मैंने दिल्ली में, कई जगह ऑपरेशन भी कराया, पर आँखों की रोशनी नहीं आई। एक बार आई थी तो सिर्फ एक हफ्ते तक रही थी रोशनी, उसके बाद चली गई थी। बहुत पैसा भी खर्चा किया। प्लीज़ आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोगों की कोई मदद हो प्लीज़ आगे बताइएगा क्या करना चाहिए। ये देखिए मैं अब वापस घर को जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे। अब मैं घर जा रही हूँ। मैं आपको घर जाने के बाद आपको बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बताया है। प्लीज़ आप लोग दुआएं करिए मेरे जैद के लिए। आगे शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।